दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम मंडगंबा के ग्रामीणों के साथ चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होकर गांव के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही विद्युत व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को गांव में डीपी लगवाने के लिए निर्देशित भी किया। कवर्धा मामले को लेकर पूर्व सीएम ने सरकार पर साधा निशाना कहा। घटना को राजनीतिक मोड़ देने की हो रही कोशिश। सीएम के यूपी दौरे को लेकर भी कसा तंग। पन्ना में खाद के लिए दर दर भटकने को मजदूर हुए अन्नदाता। हिनौती खाद गोदाम पर खाद नहीं मिलने से किसानों में दिखी नाराजगी। काला बाजारी करने का लगाया आरोप। वितरण में अव्यवस्था हो रही है लोगों में। एक तो एक बात सामने आई है कि ये अफवाह फैली है कि रेट बढ़ने वाले हैं, इस वजह से थोड़े किसान ज्यादा हैं और आसपास के क्षेत्रों में खाद की आपूर्ति प्रॉपर नहीं होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा भीड़ बढ़ गई है। तो मैं अभी सुबह से आई हुई हूँ, मैं बैठी हूँ। और खंडवा में जारी है नवरात्रि की धूम। मां जगदम्बा का किया गया विशेष श्रृंगार। दर्शन करने के लिए रोजाना लग रहा भक्तों का तांता। देवास पहुंची तराना से निकली चुनरी यात्रा। तराना के नव दुर्गा मंदिर खंडेराव से हर साल निकाली जाती है यात्रा। कई भक्त यात्रा में हुए शामिल। कामना देता हूँ डिडोरी में शासन की योजना के लाभ से वंचित परिवार झोपड़ी में रहने को मजबूर। आज से किसी भी योजना का नहीं मिल पाया है लाभ। उज्जैन के गौरव ने एमपी का नाम किया रोशन। इंडिया टॉप मॉडल सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में मिला पहला स्थान। कई जिलों के मॉडल्स ने लिया था। सर मुझे मिस्टर एमपी का अवार्ड मिला है जो कि साई माधोपुर में हुआ था ऑडिशन। और ऑडिशन मैंने क्लियर किया था जिसमें 300 से 300 लोग थे। लड़के जो थे 220-215 के समथिंग थे और टोटल जो थे वो 250 से 300 लोग थे। जबलपुर के कोबरा ग्राउंड से शुरू हुई मैराथन दौड़। विजय मशाल लेकर 100 से ज्यादा जवान मैराथन दौड़ में हुए शामिल। 1971 की भारत पाक की जंग के 50 साल पूरे होने पर किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि इस रन में न सिर्फ फौजी बट जो भी रास्ते में जो भी सिविलियंस हैं, जो भी जनरल पॉपुलेशन है हमारी इस सिटी का, वो सब भाग लें और 50 किलोमीटर की दूरी पूरी सिटी को। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयवर्धन सिंह का जन्मदिन कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा साफा शॉल व माला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया गया। पाटीदार जी ने बोला कि कल्याण मंडल समस्त मंडल भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़। बेमेतरा में कृषि मंत्री की पहल पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी गई आटा चक्की मशीन। महिलाओं ने मंत्री का जताया आभार। मैं समूह तीनों भाषा को आटा चक्की प्रदान किए है क्योंकि उसके लिए हम और स्व सहायता समूह का आभार व्यक्त करते हैं। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम केसर यादव, मैं जनपद सदस्य हूँ। जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में एक बच्चे ने दिया मानवता का परिचय। व्यक्ति को लौटाया खोया हुआ पर्स। बच्चे की ईमानदारी पर पुलिस ने पर्स था उनको पर्स दिलवाया। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी तरफ से शायद कुछ रिवॉर्ड भी उनको दिया गणेश्वर ने उनको। तो इस तरह की चीजें हम अक्सर नेगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं लेकिन चूंकि ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही प्यारा इंसिडेंट। उमरिया में पुलिस ने डबल मर्डर मिस्ट्री का किया खुलासा। पति ने की थी पत्नी और ससुर की हत्या। पत्नी के किसी शख्स के साथ बात करने पर नाराज था पति। बहुत ही हृदय विदारक है क्योंकि इसमें पिता और पुत्री दोनों की बड़ी ही
नृशंस हत्या हुई है और उस हत्या के जो आरोपी थे मृतिका के पति और जो पति हैं उनके भाई। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में उज्जैन में अलग अलग संगठनों का प्रदर्शन, मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सीमा। इस प्रकार की जो तालिबानी मानसिकता जो आतंकवादी दिखा रहे हैं वो अब देश बर्दाश्त नहीं होगा। वास्तव में ये श्रद्धांजलि सभा नहीं है, हम लोग युवा इस श्रद्धांजलि सभा का जो घटना हुई उसका जवाब मांगते हैं। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने नहीं आए। बुरहानपुर में अरुण यादव का हुआ वायरल वीडियो, वायरल वीडियो पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, अरुण यादव के साथ हुआ अन्याय। और मुझे हर बार पार्टी को सिर्फ नहीं करता हूँ, हर बार फसल में मारता हूँ। 18 रुपये थे वो उसने कहा तुम्हारी फसल दे दो और पकड़ो फिर उगा देंगे। ये मेरा अपना माता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। भिंड रोड पर आधी रात हुए एक सड़क हादसे में लड़ाकू विमान मिराज के पायलट अनुज यादव की दुखद मौत। अनुज यादव ग्वालियर के महाराजपुरा वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। रात लगभग 3 बजे की घटना है, वहाँ पर गुरुदेव मंदिर थाना क्षेत्र में धर्मगिर पेट्रोल पंप के पास में काशा ट्रक आरजे राजस्थान के ट्रक खड़ा हुआ था, जिसमें आईटीएम से अनुज यादव पायलट स्थानीय एयरफोर्स में जो पायलट के रूप में कार्यरत थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और गंभीर रूप से रातों घायल हो गए थे। ट्रक को जब्त कर लिया गया, थाना में गुरुदेव मंदिर में पंजीबद्ध किया गया। कश्मीर की घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मांग कर रहे थे। विगत कई दिनों से कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर में रहने वाले हिंदू भाई और सिख भाइयों के ऊपर जो प्राणघातक हमले हो रहे हैं एवं हत्याएं की जा रही हैं, इसके विरोध में समूचे देश में आज बजरंग दल ने 9 अक्टूबर के दिन समूचे देश में एक ही समय पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। हम बजरंग दल के माध्यम से उन इस्लामिक आतंकवादियों को या जिहादी मानसिकता के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये अब ये भारत 1990 वाला नहीं है। यदि हिंदुओं के ऊपर हमले किए जाएंगे तो कश्मीर से यदि हिंदुओं को भगाने का प्रयास किया जाएगा तो पूरे देश का बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता कश्मीर कूच करने के लिए भी तैयार है। फर्जी मार्कशीट से नौकरी हासिल करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है। कोर्ट के आदेश पर थाटीपुरा थाने में 9 जालसाज शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई है। ये सभी DED की फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे थे। RTI एक्टिविस्ट है, इन्होंने जो है शिकायत की थी कि पंचायत जिला पंचायत कार्यालय जो थाटीपुर में स्थित है वहाँ पे फर्जी जो है अपनी मार्कशीट के आधार पर जो है 9 शिक्षक की नियुक्ति हुई है और वो लगातार जो है सर्विस कर रहे हैं। तो फर्जी मार्कशीट से उनने अपनी नौकरी प्राप्त की है और बराबर नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जांच की जा रही थी और जांच जो है SBU साहब और अन्य अधिकारियों के पास अपन ने जांच के लिए भेजा था, लेकिन इस बीच में महेंद्र सिंह उसने पंजाब सिंह गुर्जर ने माननीय न्यायालय में धारा 200 विधायक परिवाद लगाया था। 56(3) में न्यायालय ने FIR का आदेश किया था जो FIR कर लिया। श्रीनगर में स्कूल शिक्षकों की हत्या को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। अमरपाटन में भी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा कई हिंदू परिवारों को बर्बर तरीके से मारा गया, घर में घुस के मारा गया, शिक्षकों को मारा गया, व्यवसायियों को मारा गया, इसका विरोध बजरंग दल प्रखंड अमरपाटन के द्वारा किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के उसका विरोध करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को माननीय SDM महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर के इसका विरोध दर्ज कराया गया है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा और बाध्य करेगा कि इसको हमारे कश्मीर को आप तालिबान बनने से रोके,
यदि इस प्रकार की बर्बरता होती तो विश्व हिंदू परिषद और वरंग दल आगे भी उग्र प्रदर्शन करेगा और कड़ी कार्रवाई करने पर सोचेगा। त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मैहर स्थित आदिशक्ति जगत जननी मां शारदा देवी के दर्शनों को उमड़ रही है भक्तों की भीड़। नवरात्र में मां के दिव्य दर्शनों के लिए उमड़ते हैं भक्त। खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों ने मेहगांव नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। किसानों का आरोप है अन्नदाताओं को खाद मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। जननी एक्सप्रेस से ढोया जा रहा था शव, शव को जननी एक्सप्रेस से ले जाने का वीडियो हुआ वायरल, जिम्मेदार कर रहे जांच की बात। ऐसी एक शिकायत अभी कुछ देर पहले ही मेरे संज्ञान में आई है कि एक जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा कल रात में किसी मृत शरीर का परिवहन किया गया है। तकनीकी रूप से जननी एक्सप्रेस में इस तरह के शव को परिवहन नहीं किया जा सकता है और ये निश्चित रूप से रेगुलरिटी है। हम इसकी जांच करा रहे हैं, वाहन नंबर की जानकारी भी मुझको दी गई है, तो हम उसके संज्ञान लेते हुए जो आवश्यक कार्यवाही जांच होगी वो करेंगे और कार्यवाही के लिए हम लोग NHM और वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखेंगे। मालवांचल के प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठ विजयसेन मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। मंदिर के ट्रस्टियों ने बैठक कर मंदिर निर्माण की रूपरेखा तय की। जिला कलेक्टर ने मंदिर की प्लानिंग का प्रेजेंटेशन देखा। सबसे पहले हम मंदिर के निर्माण की शुरुआत करेंगे। मंदिर के निर्माण के बाद में दूरतलाई और फिर यहाँ की जो जितनी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, बड़ी से बड़ी आवश्यकता है, प्रवचन हाल है और सत्संग भवन है, संत निवास है और यहाँ की जो है यात्री जो आते हैं उनके लिए सुख सुविधाएं हैं, साथ ही जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें हैं, अलग से ये फूड जोन है, पार्क है, पीने का पानी है, पार्किंग है, इन सारी चीजों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और एक सार्वजनिक स्थान पर बड़े मंदिर पर जो जो आवश्यकताएं होती है उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दमो के घंटा घर के समीप संचालित 5 दुकानों में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। आग किन कारणों से लगी अभी तक ये पता नहीं चल पाया। कोर्ट मैरिज करने आए 2 प्रेमी जोड़ों से मौसेरे भाइयों ने कोर्ट में ही की जमकर मारपीट। लड़कियों के हाथ में आई गंभीर चोट, एक वाहन को किया क्षतिग्रस्त। हम दोनों अपनी मर्जी से अपनी शादी करना चाहते थे, उन्हें तकलीफ हुआ, हमें जिंदा मारना चाहते थे हमारे घर वाले, इसलिए हम बात करा कर शादी करना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर देख लिया और हमें मारा, मारपीट की, हमारे साथ छेड़छाड़। काटाफोड़ में बालिकाओं द्वारा दी जा रही आकर्षक गरबे की प्रस्तुतियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी मौके पर रहे मौजूद। रायपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में दूसरे राज्य से गांजा तस्करी करते 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा। उरला थाना क्षेत्र और देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में मुखबिर सूचना पर हमें जानकारी मिली, जिसपे अलग दोनों क्षेत्रों में ही 2 अलग अलग आरोपियों, उरला में मोनू सिंह नामक व्यक्ति जिसे कब्जे से लगभग 12 किलो गांजा बरामद हुआ है और देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में चंद्रशेखर दीवान नामक व्यक्ति जिनसे 3.1 केजी 3 किलो 100 ग्राम के लगभग गांजा बरामद किया गया है। उन दोनों ही व्यक्तियों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। फसलों के मुआवजे के लिए सड़कों पर उतरे किसान, राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पटवारियों का कहना है जिला प्रशासन से फसल सर्वे को लेकर कोई भी आदेश हमारे पास नहीं आया।